जॉब प्लानर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है नाउ। आपका नाउ जो चैप्टर है, इस चैप्टर से हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते ही है, ये फिक्स है, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन आते जरूर है। चलिए सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम नाउन के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, अगर कोई भी बंदा आपसे पूछ लिया कि नाउन क्या है, तो आप सभी को पता है क्या नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इसका डिफिनेशन भी होता है कि नहीं, कि नाउन क्या है, कि नेमिंग वर्ड है, यानी कहने का मतलब क्या, एक नाम का यानी नामकरण शब्द है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि नाउन जो है आपका एक नेम है, बस इतना याद रखिए। नाउन का मतलब क्या, कोई नेम, आपका नाम, मेरा नाम, इस देश का नाम है कि नहीं। तो नाउन का मतलब क्या, कुंडी। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके डेफिनेशन पे, यानी इसका परिचय कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं, इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन जो आपका एक नेमिंग वर्ड है, या फिर दूसरे प्रकार से हम ऐसे बोल सकते हैं, अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग, अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज का नाम क्या कहलाता है, तो नाउन कहलाता है, राइट। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, राम एक नाम है, वह एक नाम है, फैमिली नेम है, वाटर नेम है, एयर एक्सेट्रा, ठीक ना। इस धरती पे कोई भी ऐसी चीज बनी ही नहीं है जिसका कि नाम ना हो, कहने का मतलब है सारी की सारी चीजें क्या है, तो नाउन है। जो चीज दिखती है वो भी नाउन है, जो चीज नहीं दिखती है वो भी नाउन है, यानी कहने का मतलब है कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके काइंड्स को, तो चलिए हम देखते हैं हम नाउन के प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ नाउन, किसके अनुसार, तो कास्ट के अनुसार। यदि नाउन को उसकी जाति यानी कि उसके कास्ट के अनुसार बांटा जाए तो ये कितने भागों में बटे हैं, तो ये पांच भागों में बटे, यानी कि देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू द कास्ट, यानी कि जाति के आधार पर नाउन को पांच भागों में बांटा गया है। कौन कौन, पहला प्रॉपर नाउन जिसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, और इसको हम ट्रिक से याद रखेंगे, खास नाम, खास नाम प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमन नाउन जिसे कि जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, और इसे हम ट्रिक से याद रखेंगे, सामान्य नाम, ठीक। तीसरा कलेक्टिव नाउन जिसे कि समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, और ट्रिक से याद रखेंगे, समूह का नाम। चौथा मटेरियल नाउन जिसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है, और ट्रिक से हम याद रखेंगे, जिसे गिना ना जा सके। पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं, और ट्रिक से हम याद रखेंगे, जिसे महसूस किया जा सके। तो कहने का मतलब है कास्ट के अनुसार नाम को पांच भागों में बांटा गया है, प्रोपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रोपर नाउन, खास नाम, आपको ये याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन उसको आपको याद रखना जरूरी है कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो खास नाम जो होगा वो आपका क्या होगा, तो प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन सामान्य नाम, कलेक्टिव नाउन समूह का नाम, मटेरियल नाउन जिसे गिना ना जा सके, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे महसूस किया जा सके, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका इस सारे के सारे नाउन को याद करने का एक ट्रिक, जिस ट्रिक के माध्यम से हम इस सारे के सारे नाउन को कैसे याद कर सकते हैं, देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नाउन को एक ट्रिक के माध्यम से, एक कंसेप्ट या एक डेमो के माध्यम से समझते हैं। देखिए, आपको पहले से पता है ना, मैंने अभी भी कराया आपको, कि खास जो नाम होता है वो आपका प्रॉपर नाउन होता है, जो सामान्य नाम होता है वो आपका कौन सा नाम होता है, तो आपका कॉमन नाउन होता है, जो समूह का नाम होता है वो आपका कलेक्टिव नाउन होता है, जिसे गिना ना जा सके मटेरियल नाउन, और जिसे महसूस किया जा सके कौन सा नाम, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। तो इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या है भाई, तो ये आपका एक बिस्किट का पैकेट है। किसका पैकेट है भाई, तो बिस्किट का। देखिए, बिस्किट तो बहुत सारे होते हैं, मार्केट में मिलते हैं, कोई अगर किसी बच्चे को भूख लगी तो अपने पेरेंट्स से बोलते हैं कि मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी, तो बोला कि जा बेटा एक बिस्किट का पैकेट लेके आओ, तो उसने क्या बताया अपने बेटा को कि जाओ एक बिस्किट का पैकेट लेके आओ। उसने कभी ये बोला कि नहीं तुम टाइगर बिस्किट लाना या फिर पार्ले जी लाना या कुछ भी, है कि नहीं। उसने केवल बताया कि जाओ बेटा एक बिस्किट का पैकेट लेके आना। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो आपका ये बिस्किट है वो कौन सा नाउन है, उसका तो कोई नाम नहीं है ना। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो बिस्किट का नाम आया, या बिस्किट का कहने का मतलब केवल एक बिस्किट का नहीं, पूरा बिस्किट कास्ट का बोध कराने के आया। तो कास्ट के नाम को क्या कहा जाता है, आपको पता है ना, सामान्य नाम। कौन सा नाम, कौन सा, तो पता होना चाहिए, अभी मैंने बताया था। तो सामान्य जो नाम होता है वो आपका कॉमन नाउन होता है कि नहीं। सामान्य नाम कौन सा नाम होता है, तो कॉमन नाउन होता है। तो यहाँ पे जो आपका बिस्किट है वो कौन सा नाउन को डिनोट कर रहा है, तो ये आपका कॉमन नाउन को डिनोट कर रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पर कंडीशन नंबर सेकेंड देखते हैं, तो यहाँ पर तो पहले कि अगर बिस्किट की चर्चा हुई ना, अब यहाँ पर जो बंदा है बिस्किट लाने गया उसका एक नाम है। पहले तो केवल बिस्किट की चर्चा हुई, तो उसने कोई भी बिस्किट सदन से ला के दे दिया, तो बोले कि अरे बेटा ये क्या कर दिया तुमने, कुछ अच्छा बिस्किट लेके आ, जब पार्ले से लेके आया टाइगर लेके आ, तो केवल पहले वो बिस्किट लेके आया था ना जो कि कॉमन राउंड में डिनोट कर रहा था। अब उसने बताया, उसकी माँ ने बताया कि जा बेटा एक पार्ले जी लेके आ, एक पैकेट पार्ले जी लेकर आ। तो पार्ले जी, हर बिस्किट का नाम पार्ले जी होता है क्या? नहीं ना। तो पार्ले जी क्या है? खास नाम है ना। तो कहने का मतलब है पार्ले जी वो कौन सा नाम को दर्शाएगा? वो पढ़ना आपको, क्योंकि आपको पता है कि खास जो नाम होता है वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाम है कि नहीं? खास नाम प्रॉपर नाम। तो उसने फिर से पार्ले जी लेकर आया, यानी वो बंदा गया और जो साधारण बिस्कुट लेके आया था ना उसको रिटर्न करके उसके एड्रेस में क्या लेके आया? तो पार्ले जी लेके आया। अब उसकी माँ जो है बिस्कुट के रैपर को फाड़ती है, उसमें क्या पाती है? उसमें पाती है बिस्किटों की संख्या, है कि नहीं, जो एक कलेक्शन में है, है कि नहीं? यानी आप कलेक्शन ऑफ बिस्किट बोल सकते हैं। कौन सा नाम? कलेक्टिव नाम। तो आपको पता है कि समूह के नाम को क्या कहा जाता है? तो कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पर जैसे उस बिस्किट के पैकेट को फाड़े तो उसमें मैंने देखा कि बिस्किट की एक क्या है? तो एक संख्या है जो कि एकत्रित है, एक समूह में है, है कि नहीं? एक संग्रह में है। तो आपको पता है कि समूह के नाम को कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ पर ये जो बंदा है भाषा है कि नहीं, ये काफी सलाटी भी है, इसके बाद उठे हुए हैं सीन की तरह, है कि नहीं? तो ये जो बच्चा है वो क्या किया, इसमें से एक बिस्किट लिया इसमें से, और उसको क्या किया, दोनों हाथों की सहायता से इसको वो कर दिया, चूर चूर कर दिया। चूर चूर करने का मतलब उसको डस्ट बना दिया, है कि नहीं? बिस्कुट को लीजिए, ऐसे मसल लीजिए तो क्या बन जाएगा भाई? वो तो पाउडर बन जाएगा ना, है कि नहीं? तो वही काम ये बच्चे ने किया, इस बिस्किट को रब करके उसने क्या बना दिया? डस्ट बना दिया, पाउडर बना दिया, आटा बना दिया, सूजी बना दिया, मैदा बना दिया, जो भी चीज से बनी है, जो भी रॉ मटेरियल से बनी है वो चीज इसको बना दिया, है कि नहीं? तो क्या इस रॉ मटेरियल को, इस पाउडर को क्या हम लोग घिन पाएंगे? नहीं ना। तो वैसा नाम जिसे घिना ना जा सके क्या कहलाएगा? मटेरियल नाम, है कि नहीं? तो ये जो बिस्कुट जो आपका पाउडर बन गया, तो इस पाउडर को हम लोग क्या बोलेंगे? मटेरियल नाम, क्योंकि मटेरियल नाम को कभी भी घिना नहीं जा सकता है। नेक्स्ट, अब ये बच्चा क्या कर रहा है दूसरा कंडीशन में, फिर से इसने एक बिस्किट निकाला, है कि नहीं? अब इसको इसने खाया, और खाने के बाद जो इसको फीलिंग आया वाईफाई के मोड में, नहीं अच्छा लगा, खराब लगा, कौन सा नाम जो इसको इसने महसूस किया, कौन सा नाम कहलाएगा? आपको पता है ना कि वैसा नाम इसे महसूस किया जा सके क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाम, बिल्कुल। तो खाने के बाद जो इसको फीलिंग हुआ वो कौन सा नाम हो जाएगा? चलिए इसको हम फिर से समझते हैं, इस नाउन को स्ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले ये क्या था? तो एक बिस्किट का पैकेट था ना, तो बिस्किट जो कि आपकी पूरी बिस्किट कास्ट को डिनोट करती है ना, इसलिए बिस्किट जो है वो कौन सा नाम? तो कॉमन नाम। दूसरा, इस बिस्किट का फिर एक नाम पड़ा, वो क्या नाम पड़ा? तो पार्ले जी, जो कि कौन सा नाम है? तो खास नाम है ना, इसलिए कौन सा नाम? तो प्रॉपर नाम। जब उसके रैपर को हम लोग फाड़े उसमें एक बिस्किट की एक संख्या निकली, तो उसकी संख्या जो 10-12 जो भी थी वो मिलकर एक समूह का निर्माण कर रही थी, समूह के जो नाम होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो कलेक्टिव नाउन। इस बच्चा ने इस बिस्किट को क्या किया? तो रगड़कर तोड़ दिया उसको, है कि नहीं? डस्ट बना दिया। तो इस डस्ट को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो जो नाम गिना नहीं जा सकता कौन सा नाम कहलाता है? तो मटेरियल नाउन। फिर ये दूसरे कंडीशन में क्या किया, इस बच्चे ने बिस्किट को लिया, फिर से वो खाया, खाने के बाद जो उसको अच्छा लगा या खराब लगा वो कौन सा नाम? तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? तो ये था आपका नाउन का डेमो, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बाकी का जो भी आपका नाउन है मैं 1 by 1 करके उसको अगले क्लास में आपको इसको डील करूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।